सो दोस्तों, क्या आप भी अपने YouTube वीडियोस को थंबनेल अपने मोबाइल से पिक्सल लैब एप्लीकेशन के थ्रू अपना थंबनेल क्रिएट करते हैं या फिर पिक्सल लैब एप्लीकेशन से अपना थंबनेल को बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आपने इस वीडियो पर तभी क्लिक किया है जब आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में और भी ज़्यादा फॉन्ट को ऐड करना चाहते हैं और इसमें आपको समस्या आ रही है। दोस्तों, अगर ऐसा है कि अगर आपको पिक्सल लैब में फॉन्ट ऐड करने में जो भी एडिशनल फॉन्ट होते हैं जो कि आपको अलग से डाउनलोड करके पिक्सल लैब में इंस्टॉल करना होता है, अगर आपको सब प्रॉब्लम हो रही है तो आपको यह प्रॉब्लम आज से जड़ से खत्म होने वाला है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में अनलिमिटेड फॉन्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, कहीं से भी आप डाउनलोड करके अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने फॉन्ट स्टाइल को और ज़्यादा स्टाइलिश बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखना, लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और आप देख रहे हैं सुजीत की वीडियोज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज देख सकें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं जाता हूं मोबाइल स्क्रीन में और वहां मैं आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप अपने पिक्सल एप्लीकेशन में अनलिमिटेड फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करेंगे, जितने भी एडिशनल फॉन्ट होते हैं उसे पिक्सल लैब में कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आपको अनलिमिटेड फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम ओपन करना है और यहाँ पर सर्च करना है google.com। जैसे google.com सर्च होगा यहाँ पे आपको सर्च करना है, फिर आपको पिक्सल लैब फॉन्ट डाउनलोड जो कि फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, मैंने अभी सर्च किया था, उसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो फर्स्ट में देखिए एक वेबसाइट दिखाई दे रहा है, इस वाले वेबसाइट में ही आपको एंटर करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं आपको कई सारे फॉन्ट्स मिल जाते हैं और ये फॉन्ट्स आए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे ये पेज खत्म होगा आप पेज टू में सकते हैं इस तरह से। तो कोई भी आप अपने हिसाब से फोन जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के सिंपली देखिए आपको जूम करके मैं दिखाता हूं, यहां पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है। आप डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो ये फोन डाउनलोड हो चुका है। देखिए ऊपर में दिखाई दे रहा है फाइल डाउनलोडेड, ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस तरह से और भी आप कई सारे फोन डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। और डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, पिक्सल लैब में फोन ऐड कैसे करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए और इसके बाद ओपन करना है आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन। तो मैं यहां पर पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं और ओपन करने के बाद यहां देखिए आपको न्यू फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस जगह पे। यहां आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं या फिर इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा और यहां पे एडिट पे क्लिक कर दूंगा और पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाऊंगा और जो भी मुझे लिखना है वो मैं लिखता हूं। जैसे कि मैं अपने चैनल का नाम भी लिख लेता हूं सुजीत के वीडियोस। इसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूं कि आप फॉन्ट ऐड कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया अपने चैनल का नाम, फिर ओके पे क्लिक कर दूंगा और इसे एडजस्ट कर लूँगा जहाँ भी आप एडजस्ट कर चाहते हैं। मैं बस ये एग्जांपल ले रहा हूँ। अब बात करते हैं कि आप पिक्सल लैब में फॉन्ट ऐड कैसे करेंगे जो भी अभी आपने गूगल से डाउनलोड किया है। जिसके लिए देखिए यहाँ पे आपको ए वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेकंड नंबर पे आपको इसमें क्लिक करना है और यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी वाला ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है इस जगह पे, ये वाला ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको जो प्री इंस्टॉल्ड जो फॉन्ट रहता है वो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है जो कि आपका पिक्सल लैब में मिल जाता है, लेकिन ये बहुत लिमिटेड फॉन्ट रहता है, इससे आपका काम नहीं चलता है। तो यहाँ पे देखिए आपको सेकंड नंबर पर स्लाइड करेंगे तो इस जगह पर देखिए माई फॉन्ट का ऑप्शन मिलता है, आपको माई फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन मिल रहा है, प्लस का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करना है, आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और आपको बताना है पाथ जहाँ पर आपने अभी डाउनलोड करके अपने फ़ोन को रखा है। तो अगर आप गूगल क्रोम से डाउनलोड करते हैं तो वो डाउनलोड वाले फोल्डर में ही चला जाता है। तो यहाँ पर मैं डाउनलोड वाला फोल्डर यहाँ पर ओपन कर लूँगा। डाउनलोड फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको फोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं फेकोन फोन इस जगह पर मिल जा रहा है जो कि मैंने अभी डाउनलोड किया था। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको एक चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस जगह पे, आपको इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए ऐड सिलेक्टेड का ऑप्शन मिल रहा है नीचे ब्लू पट्टी जो दिखाई दे रहा है, आपको ऐड सिलेक्टेड में आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एक फॉन्ट यहाँ पे फेकोन नाम का आ गया है। अब देखिए जैसे मैं इस पर टच करूँगा मेरा फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। मैं इस पर टच करता हूँ और ओके पे क्लिक करूँगा, देख सकते हैं जो मेरा फॉन्ट स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है और चेंज भी हो गया है। तो इस तरह से आप ऐड फॉन्ट में जाकर के और भी फॉन्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको गूगल से फॉन्ट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस वॉच कर सकें। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।